आज का हमारा टॉपिक है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का योगदान, सवाई जय सिंह को क्यों याद किया जाता है, सवाई जय सिंह ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। क्या था इनके पिता का नाम? बिशन सिंह। प्रारंभ में सवाई जय सिंह का नाम जो है विजय सिंह था। सवाई जय सिंह का नाम क्या था? विजय सिंह। लेकिन इनकी योग्यता से प्रभावित होकर, किसकी योग्यता से? सवाई जय सिंह की योग्यता से। सवाई जय सिंह की योग्यता से प्रभावित होकर और औरंगजेब ने इनका नाम जय सिंह कर दिया। क्या कर दिया? जय सिंह। जबकि जय सिंह इनके बड़े भाई का नाम था। 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई। 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई और 19 दिसंबर 1699 को सवाई जय सिंह जो है वो अमेरिका शासक बना अपनी पिता की मृत्यु के बाद 19 दिसंबर 1699 को। सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया तथा सवाई जय सिंह ने जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा। भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए उन्होंने 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया। किसने? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया ज्योतिष के अध्ययन के लिए। ये 5 वेदशालाएं दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, 5 जगह इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए वेदशालाओं का निर्माण करवाया। एक बार और देखो, ये 5 वेदशालाएं कहाँ कहाँ थी? दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन। इन 5 वेदशालाओं में जयपुर की जंतर मंतर सबसे बड़ी वेदशाला है। सबसे बड़ी वेदशाला कहाँ की है? जयपुर की जंतर मंतर। और इस जयपुर की जंतर मंतर वेदशाला को जुलाई 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। कौन सी वेदशाला को? जयपुर की जंतर मंतर जो वेदशाला है, इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। 5 वेदशालाओं का, उनमें सबसे बड़ी जयपुर की थी। और इस वेदशाला को, जंतर मंतर को, जुलाई 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। पहले जहाँ शिकार होदी थी, उस शिकार होदी को बदलकर उसका नाम बादल महल कर दिया। क्या कर दिया? बादल महल। किसने? सवाई जय सिंह ने। जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था। जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए। अर्थात अंतिम हिंदू राजा जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए और उस यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों को रहने के लिए, यज्ञ में शामिल होने वाले या यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए उन्होंने जल महलों का निर्माण करवाया। जयपुर में जल महल है, उनका निर्माण भी सवाई जय सिंह ने अपने यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए करवाया। 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार के कारण जय सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 21 सितंबर 1743 में सवाई जय सिंह की रक्त विकार के कारण जो है मृत्यु हो गई। कहाँ? आमेर में। सवाई जय सिंह और अमर सिंह द्वितीय के बीच देवारी समझौता हुआ। कौन सा समझौता? देवारी समझौता अमर सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह के बीच हुआ। क्या था देवारी समझौता? देवारी समझौता के अंतर्गत अमर सिंह द्वितीय ने यह शर्त रखी कि सवाई जय सिंह उसकी पुत्री से विवाह करे। सवाई जय सिंह
उसकी पुत्री से विवाह करे, किसकी पुत्री से, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री से, और उसके बाद जो पुत्र हो वह पुत्र जो है वो आमेर का शासक बने। जयसिंह ने शर्त स्वीकार कर ली, इसको बोलते हैं देवारी समझौता। देवारी समझौता अमर सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह के बीच हुआ, जिसमें अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह उसकी पुत्री के साथ विवाह करे और उसके बाद पुत्र, उसी का पुत्र, किसका अर्थात अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का, उसका पुत्र जो है वही आमेर का शासक बने, जिसे देवारी समझौता कहा जाता है। जाटों के दमन, जाटों के दमन से प्रभावित होकर, अर्थात सवाई जयसिंह ने जाटों का दमन किया, उन जाटों के दमन से प्रभावित होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी। अर्थात सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि किसने की, मोहम्मद शाह ने, क्यों दी, जाटों के दमन से प्रभावित होकर। इस प्रकार हमारे टॉपिक सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को, इनके पिता का नाम विशे सिंह, पिता की मृत्यु हुई 1699 में, पिता की मृत्यु के बाद ये सवाई जयसिंह जो है आमेर के शासक बने। इनका नाम पहले विजय सिंह था, लेकिन औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर और इनका नाम जयसिंह कर दिया। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए। जयसिंह कारिका का जो है नामक ग्रंथ लिखा। भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वैद्यशालाएं बनवाई, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। इन 5 वैद्यशालाओं में सबसे बड़ी जयपुर की जंतर मंतर, जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल कर लिया। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर। जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को जो है कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। जहाँ पहले शिकार होती थी उसका नाम बदलकर बादल महल में उसको परिवर्तित कर दिया। अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में यज्ञ करवाए। यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया जयपुर में। 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देवारी समझौता अमर सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह के बीच, जिसमें अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि उसकी पुत्री के साथ विवाह करे सवाई जयसिंह और उनसे होने वाला पुत्र जो है वह ही आमेर का शासक बने, उन्होंने स्वीकार किया, देवारी समझौता है। और सवाई जयसिंह को राजाधिराज राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी मोहम्मद शाह ने जाटों के दमन से प्रभावित होकर। इस पर हमारा ये टॉपिक, इससे आगे हम देखते हैं।